हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप का फंक्शन को हम कैसे लगाते हैं। वी लुकअप लगाने के तरीके होते हैं, एक तो हम लगा सकते हैं कि वर्कशीट फंक्शन के साथ। वर्कशीट फंक्शन से इस तरीके से होता है कि हमें उसमें मतलब वर्कशीट के वेरिएबल को पास कराना पड़ता है और हम उसके फंक्शन लगा उसके थ्रू हम फंक्शन लगाते हैं। उसमें हमें अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ता है और इसके अकॉर्डिंगली हम वी लुकअप लगा सकते हैं। अगर आपको वी लुकअप का फंक्शन मैन्युअली लगाना भी आता है अपने वी लुकअप पे, तो उसके थ्रू भी आप अपने कोई भी फंक्शन है उसको भी लगा सकते हैं। क्योंकि अगर जो नए यूज़र हैं जो वी लुकअप का जो नॉर्मल एक्सेल में लगाना जानते हैं लेकिन उन्हें VBA के थ्रू में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिसके थ्रू आप नॉर्मली जो भी आपको फंक्शन मैन्युअली आते हैं आप उन्हें विदाउट वेरिएबल को पास करे हुए आप उन्हें कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल सी ट्रिक है और इसके बाद मैं आपको वेरिएबल के थ्रू भी वी लुकअप और जो भी फंक्शन होते हैं उन्हें लगाना सिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको वो ट्रिक समझा देता हूं कि अगर आपको एक्सेल में फंक्शन लगाने आते हैं तो आप VBA में मैनिपुलेट करके उन फंक्शंस को कैसे लगा सकते हैं। राइट, तो आप जाते हैं, हम अपने यहाँ पर मैंने एक डेटा क्रिएट किया है। तो हम नॉर्मली वी लुकअप कैसे लगाते हैं, सपोज मुझे फ्राइडे की सेल पता करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वी लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई, कॉमा टेबल एरे मेरा ये हो गया, देन कॉलम इंडेक्स मेरा 2 हो गया और मेरा 0 हो गया मेरा एग्जैक्ट मैच, और यहाँ पे मेरा जो भी मैं वैल्यू डालूँगा मेरा वी लुकअप लग गया है। और इसी को हमें अगर लगाना है अपने एक्सेल में, इसी वाले फंक्शन को लगाना है, तो इसको लगाने के लिए आप अपने VBA एडिटर को ओपन करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट मॉड्यूल कर इंसर्ट करेंगे और सब वी लुकअप इसका नाम मैंने ऐसे ही दे दिया। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये मेरी रेंज है G11 रेंज G11 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू, यानी यहाँ पे आपको डबल कोट्स देना है, सेम फार्मूले को यहाँ पे कॉपी कर देना है। राइट, कॉपी करने के बाद इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और रन करता हूँ इसे यहाँ से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा इसका फंक्शन आ गया है लेकिन ये मेरा फार्मूला विजिबल हो रहा है। तो मैं इस तरीके से करता हूँ रेंज G11, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं रेंज G11 के ऊपर ही इसे पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ, जिससे कि मेरा फॉर्मूले का मतलब यहाँ से मेरा जो भी फॉर्मूले का जो मतलब जो ये कंटेंट आ रहा है मतलब ये फॉर्मूले वाला ये हट जाए। डॉट इसको हम कर देंगे यहाँ पे डॉट पेस्ट स्पेशल। ठीक है, और यहाँ पे मैं किसका एक बटन बना देता हूँ जिस तरीके से बना दिया मैंने, इसका नाम लिख देते हैं वी लुकअप और एस राइट क्लिक करके हम इसमें असाइन कर देते हैं अपने वी लुकअप वाले फॉर्मूले को जो हमने सब रूटीन बनाया, उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, लेकिन ये कर्ली ब्रैकेट घूम रहा है जिससे कि ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो हम पेस्ट स्पेशल के बाद हम क्या करेंगे कि स्पेस के बटन को प्रेस करेंगे। स्पेस के बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो इंटेलिजेंस लिस्ट में हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। तो इसके सबसे बॉटम में हमारे पास आता है एक्सेल पेस्ट वैल्यूज एंड नंबर्स, तो आप इसको कर देंगे तो हमारा फार्मूला यहाँ से गायब हो जाएगा और ये कर्ली ब्रैकेट मतलब इस तरह से घूम रहा है कर्ली वाला जो ये जैसे हम कॉपी करते हैं तो इस तरह से घूमते हैं, तो इसे हटाने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स। राइट, और इसको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से मेरा फॉर्मूला मतलब जो भी है यहाँ से हट गया है। और जैसे कि मुझे अब वेटनेसडे की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसे यहाँ पे डालूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो 4000 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे संडे को डालता हूँ और क्लिक करता हूँ तो मेरी संडे की वैल्यू आ गई। तो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी एक सब रूटीन लिखना है अपने फॉर्मूले को कॉपी करके यहाँ पर डालना है
और फिर उसे कॉपी करके फिर पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ और नंबर में और एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इज इक्वल टू फॉल्स कर देना, जिससे कि आप जैसे ये तो सिंपल एक रेंज एक ही सेल पे किया है, तो मल्टीपल रेंज पे भी इसे कर सकते हैं। तो इसका मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें कि पूरी रेंज को भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप वहाँ पे अपने फॉर्मूले को डाल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप वेरिएबल के थ्रू और वर्कशीट फंक्शन किसे मतलब जो कि होता है हमारा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शंस डॉट, जैसे वी लुकअप है तो वी लुकअप, एच लुकअप, जो भी हमारे पास जितने भी फंक्शन है मतलब जो मेन फंक्शन हमारे यूज़ होते हैं, तो उनका यूज़ करके भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकते हैं। विद मतलब इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, खाली आपको वेरिएबल डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर आपको ये मेथड थोड़ा हार्ड लगता है, अगर आपको जैसे हाथ सेट हैं आपके मतलब एक्सेल के फंक्शन फॉर्मूले बनाने में, तो इस वाले मेथड का भी यूज़ करके आप अपना मतलब पर्पस सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि इस जो भी आपके मतलब इससे होता क्या है कि अगर नॉर्मली हम मल्टीपल फंक्शन फॉर्मूले लगा दे तो हमारी एक्सेल फाइल काफ़ी हैवी हो जाती है, लेकिन इस तरीके से वैल्यूज़ को अगर हम पेस्ट करेंगे तो हमारी एक्सेल का जो साइज़ होता है वो भी इंक्रीज़ नहीं होता है, राइट? तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि रेंज में आपको कैसे अप्लाई करना है, और उसके अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि ऐसे ही मल्टीपल फंक्शन को मतलब आप मतलब वेरिएबल के थ्रू कैसे वैल्यू पास करवा के आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।